उत्तर प्रदेश को उसका नया मुख्यमंत्री मिल चुका है और नाम है योगी आदित्यनाथ। इस बार के विधानसभा चुनाव में देश में मोदी प्रदेश में योगी का नारा खूब चला था, जो अब चरितार्थ हो चुका है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। उनको पसंद और नापसंद करने वाले सभी एक बात को मानते हैं कि उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अनदेखा नहीं किया जा सकता। चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में भाजपा का अहम चेहरा रहे आदित्यनाथ का राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा है। 5 जून 1972 को जन्मे आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह है। उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुसलमानों को लेकर काफी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है। हालांकि शोहरत ने इनके कदम आदित्यनाथ के नाम से ही चूमे। उत्तराखंड के एक गांव में पैदा हुए योगी ने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से बीएससी की पढ़ाई की है। पढ़ाई के बाद वो गोरखनाथ मंदिर के महंत अद्वैतनाथ के संपर्क में आए। महंत ने दीक्षा देकर अजय को योगी आदित्यनाथ नाम दिया। अवैधनाथ ने 1998 में राजनीति से संन्यास लिया तो योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अवैधनाथ ने 1998 में अपनी जगह योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़वाया। चुनाव जीतकर सिर्फ 26 साल की उम्र में योगी लोकसभा पहुंच गए। तब से लगातार गोरखपुर लोकसभा सीट पर योगी का कब्जा है। महंत आदित्यनाथ अपनी कट्टर हिंदू छवि के लिए जाने जाते हैं। राजनीति में पहचान बनी तो उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया। वाहिनी पर कई मौकों पर कानून को हाथ में लेने के आरोप लगे। साल 2007 में गोरखपुर दंगे में योगी आदित्यनाथ को मुख्य आरोपी बनाया गया। इसमें उनकी गिरफ्तारी भी हुई। आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। आदित्यनाथ ने राजनीति में अपनी ताकत बढ़ने पर गोरखपुर के कई ऐतिहासिक मोहल्लों के नाम तक बदलवा दिए। उन्होंने उर्दू बाजार का नाम हिंदी बाजार कराया तो अली नगर को आर्य नगर का नाम दिया, मियां बाजार को माया बाजार का नाम दिया। और ऐसे कई उदाहरण हैं जब आदित्यनाथ के सामने शासन प्रशासन मुंह ताकते नजर आए। महंत आदित्यनाथ को नापसंद करने की सबसे बड़ी वजह है उनकी ओर से दिए गए विवादित बयान। लेकिन यूपी में लोकप्रियता की वजह से उन्हें सार्वजनिक तौर पर कभी कुछ नहीं कहा गया। कट्टर सोच के लिए जहां एक बड़े वर्ग में पसंद किए जाते हैं, वहीं एक वर्ग इसी वजह से उन्हें नापसंद भी करता है। इन सब के बीच कुछ लोगों का कहना है कि भले ही योगी हिंदुत्व के प्रति कट्टर हों, लेकिन वे ब्राह्मण वर्ग के हितैषी नहीं हैं।